पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पूरे भारत में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का उसका ऐलान है वो कर रखा है। दो दिवसीय ये हड़ताल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो पक्के कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी है वो की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि जो निजीकरण है रोडवेज का जो सरकार करी है उसको बंद करे, बेड़े में नई बसें हैं वो शामिल की जाए ताकि नए कर्मचारियों की भर्ती हो सके। उसके अलावा जो इनकी अन्य मांगे हैं उनको लेकर हम सीधा कर्मचारियों के पास चलते हैं। सर आपकी क्या मांगे हैं और कितने दिवसीय हड़ताल है? हमारे दो दिवसीय हड़ताल है और मेन मांग हमारी निजीकरण के खिलाफ है और पुरानी पेंशन को लेकर गया कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। देखिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, निजीकरण के विरुद्ध और भी कोई मांगे सर आपकी? पुरानी पेंशन लागू करना, रोडवेज के अंदर नई बसें देना। पब्लिक देखो कम से कम रोडवेज के अंदर 10,000 बस चाहिए इस पब्लिक को देखते हुए और सरकार 6 साल में एक भी गाड़ी नहीं दी। कम और होगी कम गाड़ियां होती जा रही है, कंडम के बराबर भी गाड़ी नहीं दे रही है। पुरानी पेंशन को बहाल करे और रोडवेज के अंदर नई बसें दे, ये हमारी डिमांड है। और क्या मांगे आज भाई? कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करे ये हमारी मेन मुद्दा है और पुरानी पेंशन बहाली का मेन मुद्दा है और रोडवेज में जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसको जितना कम हो सके हम सरकार से कहें वो कम करे। देखिए अभी मिला जुला असर है वो देखा जा रहा है, हड़ताल का बसें हैं वो चल रही हैं उसको लेकर किस तरह की रणनीति होती है? ये प्राइवेट बसें चल रही हैं जो समिति निजी की समिति की बसें हैं, सरकारी बस जो है वो एक भी नहीं चल रही है। सारा सरकारी कर्मचारी डिपो के अंदर बैठा हुआ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे हुए है। अभी जो निजी बसें हैं उनके मालिकों से आपकी कोई बातचीत हुई हो इस बात को लेकर कि दो दिवसीय हड़ताल हम कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या वो भी बंद? उनसे हमारी कोई बातें नहीं होती ना उनसे हमारा कोई लेना देना होता है, वो सरकार के हिसाब से चलती है, वो सरकार का मसला है, वो हमारा कोई मसला नहीं उनके साथ। और क्या मांगे जो सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की आगे देखी जाएगी, 2 दिन की स्ट्राइक तो है ही, तो पूर्णतः बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा रोड, बिल्कुल चक्का जाम रहेगा। सर पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार चल रही है पूरे हरियाणा में, राजस्थान में बहाल कर दी गई है, उसके अलावा कोई अन्य आपकी मांगे हैं जो सरकार? अन्य बहुत सारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारी मांग है अभी विभाग में बसें नहीं है, ज्यादातर जोर दे रखा है किलोमीटर स्कीम की बसों पे, लेकिन विभाग के पास बसें नहीं है। हमें कम से कम 10-12 हजार बसें चाहिए जिससे रोडवेज में विभाग भी बचेगा, आम जनता को सुविधाएं दी जाएंगी और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये 2-3 साल पहले हमारे पास 4,500 गाड़ियां थी, आज वो 2,500 बसें रह गई हैं। बहुत आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमारे पास बसें बहुत कम है और स्टाफ भी कम है, स्टाफ की भी भर्ती हो और बसें भी लाई जाएं। इसी तरह से बहुत सारी मांगे हैं, जैसे 2016 वाले चालक यहाँ पर लगे हुए थे वो सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी और 2016 में वो लगे थे, उनको 6 साल हो गए लेकिन वहाँ उनको आज तक पक्का नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कौशल रोजगार के तहत इनको उसमें डाल दो, ये तो ठेके पे ही रहेंगे जब कम से कम उनका वो पक्के होने चाहिए और कौशल रोजगार में ना डाले जाएं, हम कौशल रोजगार के खिलाफ हैं। दूसरी बात टेक्निकल स्केल वर्क साहब को नहीं मिलता, उनकी छुट्टियाँ काट दी गई हैं, छुट्टियाँ उनकी मिलनी चाहिए, भर्ती नहीं हो रही कहीं भी, तो पूरा सब कुछ अलग थलग पड़ा है। चालक की प्रमोशन नहीं होती कोई भी, चालक की प्रमोशन होनी चाहिए और 2003 वाले चालक पक्के कर दिए थे सरकार ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, उनसे पहले जो लगे थे 2002 वाले चालक वो बेचारे आज तक भटकते घूम रहे हैं, वो पक्के नहीं किए गए, वो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पक्के किए जाएं ताकि वो भी अपनी पेंशन में आ जाएं। देखिए लगातार मैं तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर सोनीपत जो बस स्टैंड है उसकी दिखा रहा हूँ, जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर अपना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन बहाली है वो की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, बेड़े में नई बसें हैं वो शामिल की जाए और
जितनी भी उनकी लंबित मांगे हैं सरकार उनके जल्द से जल्द पूरे करे। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं, यहाँ पर सर जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ है, प्रदर्शन है, हल्ला बोल रहे हैं ताकि उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें हैं वो सोनीपत बस स्टैंड की दिखा दूं, यहाँ पर केवल वो बसें चल रही हैं जो कि निजी बसें हैं और यहाँ पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं वो दो दिवसीय हड़ताल पर हैं। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।